रविवार देर शाम अंजड़ थाना क्षेत्र के ग्राम मनवाड़ा एवं फतेहपुर के बीच निमाड़ ढाबे पर कथित रूप से रेत कंपनी के कुछ कर्मचारी के द्वारा 4 से 5 राउंड फायर करने की घटना सामने आई। टोकन लेकर ट्रैक्टर में काली रेत लेकर जा रहे ट्रैक्टरों को रोकने पर विवाद होना बताया जा रहा, जिसके चलते मौके पर अपने 4 पहिया वाहन से बंदूक लेकर बैठे कुछ कर्मचारियों ने पहले ट्रैक्टर को रोका, जिसमें सवार मनवाड़ा निवासी बलराम पिता मोहन धनगर को रोककर मारपीट की, साथ ही कथित रूप से 4 से 5 बार फायरिंग करना बताया जा रहा है। मौके पर उपस्थित लगभग 20 ग्रामीणों की मौजूदगी में विवाद हुआ, जो देर शाम थाने पर पहुंचा। अंजड़ थाने पर पहुंचकर बलराम धनगर ने FIR दर्ज करने का आवेदन दिया, जिसमें बताया गया कि रेत कंपनी के कर्मचारी ने मारपीट कर हवाई फायर किया। पुलिस ने आवेदन का सिविल अस्पताल अंजड़ में मेडिकल करवाया, जहां उसके सिर में टाके लगे। मारपीट में घायल हुए बलराम धनगर ने पत्रकारों को बताया कि मेरे ड्राइवर प्रकाश मुजालदे को अंजड़ थाने पर रेत कर्मचारियों ने जान से मारने की धमकी भी दी है, साथ ही टोकन के नाम पर अवैध खनन की वसूली करने का आरोप भी लगाए हैं। मामले की जानकारी देते हुए TI तारा मंडलोई ने बताया कि बलराम धनगर के आवेदन पर FIR दर्ज हुई है। मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ भादवी की धारा 294, 323, 500 से 327, 334 में मामला दर्ज कर विवेचना की जा रही है। तो मंडवाड़ा क्यों हुआ ये आपके साथ मारपीट? सर ये रोज़ रोज़ आते हैं और ये मेरे से टोकन के पैसे लेते हैं 1500-2000, जब आए जब रोक लेते हैं ट्रैक्टर, उनके 2-2, 3-3, 4-4 आदमी अलग अलग बदला के आते हैं और पैसे लेते हैं, और मैं लिखित में पूछता हूँ इनसे कि भाई मेरे को लिखित में टोकन दे दो, बोले टोकन लगेगा या फिर टोकन लो, नहीं तो टोकन नहीं लोगे तो ट्रैक्टर तुम्हारा ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। आज क्या घटना है? सर आज भी मेरे से टोकन लिया था तो मैंने दूसरों के ट्रैक्टर ऐसे बिगड़ इसमें चला रहे थे, मैंने इनको पूछा भाई कि यार दूसरों के तुम ऐसे चला रहे हो तो मेरे से क्यों टोकन ले रहे हो, तो बोले कि तुम्हारे तो तुम हम हमारा हिसाब से कहीं भी करेंगे, तुम इसमें बोलने वाले कौन होते हैं। तो मैंने फिर वो भैया को फ़ोन लगाया, भैया यार ये टोकन नहीं ले ऐसे चला रहे हमारे जैसा, तो वो सुनील करके एक लड़का है और वो आके मेरे साथ गाली गलौज करने लगा। इसमें मेरे गांव के एक आदमी ने मेरे गांव में फ़ोन लगाया और गांव वाले मेरे वहां आए, 20 से 25 जन आए वहां पे, तो उनको देख के इन्होंने गोलियां चलाना चालू कर दी, तो 5 से 7 बार फायर किया और वो ढाबे वाले को भी चमका रहे थे और मेरे से भी गोली गई और बोला कि आज के बाद अगर तू ट्रैक्टर चलाता दिया तो तेरे को भी जेल में सड़ा देंगे और तेरे को जान से मार देंगे। कितने लोग आए थे ये साथ में? ये कम से कम 10 से 12 जन आए थे। घटनास्थल का क्या हुआ? घटनास्थल फतेहपुर के बाहर जो निमाड़ ढाबा है उसके सामने खेत में मकान है वहाँ पर। कितने लोग आए थे, कुछ नाम पता आपको? नाम में तो वो देखो 3 आदमी ने मेरे साथ घटना करी है, सुनील है, शार्दुल है और एक अमन भाई के साथ में जो गनमैन है, उसने गनमैन ने मेरे को वो सिर में कुंदा मारा था, 2 टाके आए हैं, बंदूक का कुंदा मारा और मेरे जो गांव वाले आए थे उन पर भी हवा मतलब डायरेक्ट उन पर गोलियां चला दी, 5 से 7 गोलियां चलाई। आप थाने में शिकायत लेके आए हैं, क्या बोलना पड़ रहा है? सर मैंने थाने में शिकायत करी तो मेरा आवेदन ले लिया है, जो ऑनलाइन कायमी करना था वो नहीं हो पाई है। क्या चाहते हैं? मैं तो इनके ऊपर कायमी चाहता हूँ सर, और इनकी रेत की खदानों की जांच की जाए, इनको कोई रेत खदानें आवंटित नहीं है, उसके बाद भी जबरदस्ती टोकन लेते हैं, टोकन के नाम पे पैसे लेते हैं, न तो रॉयल्टी देते हैं और अपन रॉयल्टी के पूछते हैं तो डराते धमकाते हैं कि तुमको ट्रैक्टर नहीं चलाने देंगे, तुम्हारा ट्रैक्टर बंद करवा देंगे, ऐसा करते हैं। ये मनवाड़ा नहीं है, फतेहपुर निमाड़ ढाबा के सामने खेत में जो मकान बना है वहाँ पे। किन लोगों ने मारपीट करी? ये जो रेत रॉयल्टी वाले जो टोकन लेते रहते हैं रॉयल्टी लेने देने के, इसमें रहते वो। किससे मारपीट करी? ये बलराम धनगर से करी। कब की घटना होगी? 2:30 से 3:30। किस प्रकार से हुई पूरी घटना जरा बताएं? बंदूक की गोलियां चलाई। यह जैसे कि उधर से मजदूर आ रहे थे ट्रैक्टर में बैठ के, तो ट्रैक्टर रोका तो सामने वाले ने गोलियां चला दी। कितने राउंड फायरिंग हुई कोई कुछ पता है? ये 5 से 7 हुए होगी। और बलराम से मारपीट कैसी हुई? ये इनको बंद इसको तो पहले सब पकड़ के आधे इधर उधर सब सामने ये आ गए और फिर बंदूक से वार करते हैं इसमें। कहाँ कहाँ चोटें आई इनको? इसको सिर में पीछे आई जहाँ पर इसको। और आपको भी कुछ धमकाया जा रहा है, क्या है उसमें? ये थाने के अंदर अभी आया कि नहीं तो बोले तुमने ये मैं हमको थाने में बुला लिया, तुम्हारी माँ चौदह बहन चौदूंगा, ये सब गाली गलौज करी और तुमको थाने में सड़ूंगा, कही कि तू मेरे को ट्रैक्टर पर दिखना मत, मन का ट्रैक्टर में क्या मन को अंदर सामने मैडम के सामने बैठा उससे बात कर, उसके बाद मेरे से बात कर, ये बात करी उससे। मतलब आपको भी धमकियाँ दी जा रही थाने के अंदर? हाँ। कौन है धमकी देने वाला? ये अभी जो रॉयल्टी वाले जो नाम नहीं पता, नाम नहीं पता। गोलीबारी करने का मामला एक सामने आया, क्या है पूरी घटना?
फरियादी बलराम धनगर द्वारा रिपोर्ट किया कि आज करीबन 2:30 बजे तिवारी भी फतेहपुर निमाड़ ढाबे के सामने खड़ा था। अरे ठेकेदार के 3-4 व्यक्ति आए और फरियादी से 1500 रुपये की मांग करने लगे कि बोले 1500 रुपये देना पड़ेगा, 1500 रुपये तुम्हें देना पड़ेगा तो ही ट्रैक्टर चलाने देंगे, नहीं तो तुम्हें ट्रैक्टर नहीं चलाने देंगे। इस बात पर फरियादी के साथ गाली गलौज किया और मारपीट की गई और गनमैन देवराज द्वारा डराने के लिए फरियादी के ऊपर हवाई फायर। कितने आरोपी हैं और किन किन लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई? 4 आरोपी हैं। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया? अभी विवेचना में गिरफ्तार नहीं हुआ।